आज देखा जाए तो मार्केट जो है वो फ्लैट पे यहाँ पे क्लोज हुआ है। इट मींस कि आज निफ्टी और सेंसेक्स में कोई यहाँ पे प्लस पॉइंट नहीं देखने को मिला। निफ्टी कुछ यहाँ पे मामूली सा प्लस पॉइंट दिखा भी तो सेंसेक्स में यहाँ पे कुछ नुकसान देखने को मिला। हम कह सकते हैं कि मार्केट फ्लैट रहा। लेकिन अगर हम BSE स्मॉल कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आंकड़ा काफी मजबूत देखने को मिला है। निफ्टी 50 की बात करूं तो ये मामूली सा 31 पॉइंट का यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। निफ्टी स्मॉल के 50 में 2% का यह आंकड़ा है। निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पे 104 पॉइंट और BSE स्मॉल कैप की बात करूं तो यहाँ पे 1.33% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो यहाँ पे 0.08% और निफ्टी IT में 0.88% का यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला है। देखो मैं बता दूं कि आज स्मॉल कैप चला है, मिड कैप भी कुछ खास आंकड़ा यहाँ नहीं दिया है, लेकिन लार्ज कैप फ्लैट रहा है। मिड कैप में कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिला है और स्मॉल कैप में अच्छा तेजी का आज रुझान रहा है। ऐसे स्टॉक्स में आज दबाव रहा वो भी मैं आंकड़े रखूंगा, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, एक ऐसा कैटेगरी का फंड जहां पे आने वाले समय में गिरावट हो सकता है तो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा एलोकेशन कम कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे म्यूचुअल फंड में काफी बड़ा गिरावट भी हो सकता है। आपके सामने रखूंगा आखिर क्या रीजन है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सामने कुछ ऐसे स्टॉक रखता हूँ जो आज दबाव में रहे, जैसे कि M&M की बात करें तो 2.5% के ऊपर ये स्टॉक टूटा है। इंडसइंड बैंक में करीबन 1.2% का दबाव, बजाज ऑटो में 1% के ऊपर का दबाव, एक्सिस बैंक भी 1% के ऊपर टूटा है और SBI लाइफ इंश्योरेंस करीबन 1% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। अगर मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो यहाँ पे पॉजिटिव में खुले हैं या पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, हिंडाल्को में करीबन 4% का पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिला, BPCL में करीबन 3 से 4%, श्रीराम फिनांस की बात करूँ तो यहाँ भी 3% के ऊपर का आंकड़ा रहा, टाटा स्टील में यहाँ पे करीबन 3% और LTIMindtree में करीबन 2% का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिला। अब मैं कैसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। देखो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे वार्न करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, जी हाँ, डिफेंस बेस्ड म्यूचुअल फंड पे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इन कारणों से झटका लगेगा मैं वो आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखता हूँ कि ऐसे इंडेक्स फंड या ऐसे जो डिफेंस बेस्ड फंड है, ऐसे म्यूचुअल फंड का अभी रिटर्न कैसा है। देखो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड की बात करूँ तो ये 1 महीने में 11% अभी तक टूट चुका है। अगर मैं HDFC डिफेंस फंड की बात करूँ तो यहाँ भी करीबन 10% का गिरावट है। 9 जुलाई से लेकर 16 अगस्त का अगर मैं आंकड़ा देखूँ, ऐसे म्यूचुअल फंड लगातार गिर रहे हैं। तो ICICI सिक्योरिटी ने 2 स्टॉक्स को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। अब पिछले 1 साल में ऐसे स्टॉक्स में 100% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है। अब ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे जो ICICI सिक्योरिटी है उनका कहना है कि 70 से 80% ये स्टॉक टूट सकता है। जैसे कि अगर मैं आज मैजडोक की बात करूँ तो मैजडोक आज 5% टूटा है और वहीं पे दूसरा जो स्टॉक्स है गार्डन रिच, यहाँ पे ये स्टॉक्स 2.5% के आसपास टूटा हुआ है। अब मैजडोक की बात करूँ तो मैजडोक में ICICI सिक्योरिटी ये टारगेट दे रहा है कि आने वाले समय में इस स्टॉक का प्राइस 1100 से 1200 रुपए देख सकता है। मीन्स कि जो करंट प्राइस है उससे ये 76% फिसल सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो आज के रेट पे ये 4800 के आसपास या 4700 के आसपास इसका भाव चल रहा है और ऐसे में ये स्टॉक्स जो है 76% टूट सकता है, ये ICICI सिक्योरिटी के साइड से यह स्टेटमेंट है। और यहाँ ये भी कहना है ICICI सिक्योरिटी के द्वारा कि जो गार्डन रिच स्टॉक्स है वहां पे जो स्टॉक्स है वो 515 रुपए तक पहुंच सकता है। इट मीन्स कि यहाँ जो है 74% टूट सकता है। अभी जो करंट प्राइस है वो 1900-2000 रुपए के बीच में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इतना बड़ा गिरावट होगा इसका असर डिफेंस बेस्ड म्यूचुअल फंड पे देखने को मिलेगा। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 स्टॉक टूटेगा। मैं कुछ और आपके सामने अगर डाटा रखूं, जैसे कि अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो ये भी स्टॉक्स भी आज करीबन 2% टूट गया। तो अगर कुछ ऐसा गिरावट होता है इन 2 स्टॉक्स में तो डिफेंस बेस्ड स्टॉक्स में
जो अदर डिफेंस बेस्ड स्टॉक्स हैं वहां भी दबाव बन सकता है। और जो भी म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं ज्यादातर वहां पे नुकसान ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो डिफेंस बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है, जैसे कि HDFC डिफेंस फंड की बात कर सकते हैं, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात कर सकते हैं, यहाँ दो से तीन जो डिफेंस फंड है उनमें दबाव देखने को मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक्स वाकई में 70% 75% टूट जाता है तो म्यूचुअल फंड के एनएवी में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, स्पेशली डिफेंस बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है। अब मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या राय देना चाहता हूँ, देखो मेरा मानना ये भी है कि इतना बड़ा गिरावट अगर होगा तो डिफेंस के अदर स्टॉक्स में भी बहुत बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ICICI सिक्योरिटी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है इसके पीछे कोई और मंशा तो नहीं है? ऐसा मंशा तो नहीं है कि स्टॉक्स को सस्ता करके और यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करे? इतना बड़ा गिरावट का जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है ICICI सिक्योरिटी के द्वारा, मेरा मानना ये भी है कि ऐसे स्टॉक्स को सस्ता करके कुछ यहाँ पे खरीदारी किया जा सके, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डिफेंस फंड आने वाले हैं, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या फिर एक्टिव फंड हो। जी हाँ, हो सकता है कि ऐसे जो इंडेक्स फंड है या ऐसे जो NFO आएंगे वो सस्ता माल खरीदना चाहते हैं, स्टॉक्स को सस्ते प्राइस पे लेना चाहते हैं जिससे इन्वेस्टर का पैसा बने। तो यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज ला के या मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे डरा के स्टॉक को गिरा के और पार्टिसिपेट करा कि मेरे पास ये इंटरनल न्यूज नहीं है, मैं ये बात जोर शोर से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े DI हैं ऐसे न्यूज ला के और वो अपना पोजिशन भी बना सके। लेकिन देखो हमें तैयारी करके रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। हमें अब तैयारी करके क्या रखना है, हमें ऐसे म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं देना है। जैसे कि हम अपने पूरे बजट का कोशिश करेंगे कि 10 से 15% का एलोकेशन दे, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा SIP अमाउंट है टोटल SIP अमाउंट का 10 से 15% का ही हो। और मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी बोलूंगा कि अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा लगाया भी है ऐसे सेक्टर फंड में या ऐसे कैटेगरी के फंड में तो आप वो प्रॉफिट बुकिंग कर दें, वहां पे म्यूचुअल फंड से निकले सिर्फ 10 से 15% का हिस्सेदारी ही रखें। क्योंकि देखो अगर गिरावट हुआ, किसी प्रूफ सिक्योरिटी ने जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है वो अगर पॉसिबल भी होता है तो आपका नुकसान काफी ज्यादा होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इतना बड़ा गिरावट नहीं होगा। हाँ, स्टॉक्स में 15% 20% का एक गिरावट देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई नहीं बता सकता। देखो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स अगर चेंज हुआ तो बड़े बड़े स्टॉक्स टूट जाते हैं। ये स्टॉक्स अभी अपने हाई प्राइस से करीब 25% 30% टूट चुके हैं, तो और यहाँ से 15% 20% टूटना कोई बहुत बड़ा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन 70 और 75% टूटने की बात है तो वाकई में इन्वेस्टर को एक अपना यहाँ पे कुछ बैकअप तैयार करके रखना चाहिए। और अपने पोर्टफोलियो में अगर कोई डिफेंस फंड आप ऐड कर रहे हो तो उस पर ज्यादा भरोसा ना करें और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ चलें। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे डिफेंस बेस्ड फंड को फोकस किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा डिफेंस फंड है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।